वैसे तो विजयादशमी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, पर वाराणसी में इस त्योहार का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां गुल्लावीर बाबा दुर्गा पूजा मानव सेवा समिति के द्वारा भव्य पूजा हवन व भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं वाराणसी स्थित एक मैरिज लॉन में व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर ने इस बड़े पर्व को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बताया। तो आइए आपको लेकर चलते हैं वाराणसी के इसी महामहोत्सव में, तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। Yeah.
बहुत गर्व की बात है, विजयदशमी है। विजयदशमी यानी विजय पाना और बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत, इसी को विजयदशमी कहा जाता है। जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके अयोध्या में प्रवेश किए थे, उस दिन को हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। और उसी के पहले जब रावण को उन्होंने वध किया था, तो उसी को हम लोग विजयदशमी, रावण को बुरा और राम को अच्छा मानते हुए विजयदशमी मनाया जाता है। दसवें दिन उनको वध हुआ था। आज मैं पूरे काशीवासियों को, पूरे देशवासियों को इस बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने अंदर से उस बुराई को हटाएं, जो बुराई अंदर पल रही है, लोगों के अच्छाई को अपनावें, लोगों के अंदर अच्छा मैसेज दें। ये मैसेज है कि हमें व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के आचरण से नफरत है, तो उस आचरणों को दूर करने का संदेश दें और अपने अंदर भी अच्छी भावना लेकर आए। पांडे जी, आज आप आए हैं यहाँ पे, दुर्गा पूजा महोत्सव है, क्या कहना चाहते हैं प्रदेशवासियों के लिए? मैं आपकी मीडिया द्वारा सर्वप्रथम समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को दशमी व दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी भक्तों की अपनी मनोकामना पूर्ण करें। ये हमारे श्री गुलाबीर बाबा की समिति है, जिसके हमारे बड़े भैया रमेश यादव जी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। शैलेंद्र यादव अपने मतलब पूरे क्षेत्रवासियों को लेकर यह कार्यक्रम कराते हैं, माता रानी का विगत कई वर्षों से कराते हुए आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे क्षेत्र और समाज के युवा भी इसमें मिलकर काम करते हैं। सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पांडे जी, अगर देखा जाए तो आप प्रशासन को सीधे सीधे जवाब सवाल करते हैं, तो प्रशासन का सहयोग दुर्गा पूजा पंडालों में इस बार का कैसा रहा? नहीं, शासन प्रशासन हमेशा देखिए लगी रहती है। मैं गलत बात नहीं बोलता, जहां गलत लगता है वहां मैं बोलता हूं, और जहां सही है वहां सही बोलने में मैं चुकता भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं के लिए जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और दुर्गा पूजा का ढोंग करते हैं? देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारी मानसिकता पे, हमारा संस्कार। सबसे सर्वप्रथम हमारा शब्द ही बताता है कि मैं किस परिवार और किस संस्कार से बिलोंग करता हूँ। इसलिए मैं इन सब चीज़ों पे आज टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज माता रानी का दिन है, आज रावण जरेगा, असत्य पे सत्य की जीत होगी और हमेशा हमेशा ही सत्य हमेशा जीतेगा। केवल मैं गुलाबीर बाबा दुर्गा पूजा समिति का पूर्व अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों को यहाँ पे महसूस हुआ कि इस पूरे क्षेत्र में माँ दुर्गा की कोई प्रतिमा नहीं बैठती है। तो हमारे छोटे भाई ने हमसे कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो हमने इनसे कहा कि ठीक है, करिए, सारा सहयोग हुआ। तो यहाँ सारे लोग, समिति के सभी सदस्य का बड़ा योगदान रहता है, और बड़े बंधुत्व भाव से सभी लोग मिल करके और एक हो करके यहाँ का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें जागरण भी होता है और भंडारा भी होता है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है यहाँ पे। जो है हम लोग सभी लोग मिल करके माँ दुर्गा का जो है हर साल यहाँ पे पूजा करते हैं। सर, वर्तमान में देखा जाए तो पूजा सभी जगहों पे दिख रहा है, और महिलाएं हैं उनके ऊपर जो अत्याचार की खबरें आ रही हैं, तो इस सब संदर्भ में सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, महिलाओं पे अत्याचार जो है, जो भी करते हैं, जो भी दोषी होता है, उसको कानून उसको सजा भी देता है जो है। और समाज ऐसा नहीं है कि पहले अत्याचार नहीं हो रहा था या अब नहीं हो रहा या आगे नहीं होगा। समाज में दूषित प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं और अच्छे भी लोग होते हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं वो हमेशा जो है समाज को जो है पीछे करने का काम करते हैं, और अच्छे लोगों से समाज चलता है। सर, अगर देखा जाए तो राजनीति में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की पूजा पद्धतियों को अंधविश्वास बताया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए दो शब्द? देखिए, अंधविश्वास जो लोग परिचय बता दें। मैं श्री गुलाबीर बाबा मानव सेवा समिति का अध्यक्ष बच्चा यादव, शैलेंद्र कुमार यादव, बच्चा यादव, जो है कि मीडिया द्वारा सभी देशवासियों को और हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे समिति के सभी पदाधिकारियों को, सबको जो है दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय माता जी। आज कुछ यहां कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि भंडारा वगैरह का भी कार्यक्रम है कुछ जी? ये भंडारा जो हमारा 13-14 साल से लगातार चले जा रहा है, तो लगभग अगर लोगों की संख्या की बात की जाए तो 2-2.5 हज़ार आदमी हो जाते हैं। ठीक सर, तो इतने बड़े लोगों का मैनेजमेंट वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं? सहयोग से होता है।